नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। आप सबको पता है पेपर वन है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक, तो पेपर फर्स्ट में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के देख लें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या है, ठीक, आज हमारा टॉपिक है ECC के बारे में मैंने बताया था, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ECC शॉर्टकट है और फुल नेम इसका ये है। तो ये क्या होता है, इसका फुल नेम क्या है, ये सब मैंने पढ़ाया था। आज आपका टॉपिक है, वन मिनट बच्चों, आज आपका टॉपिक होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉपिक में टॉपिक, ठीक। तो मैंने ये ECC कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, नीड स्कोप क्या है स्कोप बताना है, अभी साइनिफिकेशन बताना है, जबकि आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप ऑफ प्री स्कूल। ठीक, ये प्री स्कूल जो होता है, पूर्व बाल्यावस्था की जो बाल्यावस्था होती है, ये कितने प्रकार के स्कूल होते हैं। प्री स्कूल में जब बच्चा पहले स्कूल में जाता है, फर्स्ट टाइम स्कूल जब एंटर करता है, स्कूल में एंटर करता है, तो वो किस क्लास में, जैसे कहते हैं ना LKG UKG, तो वो किस क्लास में जाता है और क्या तकनीक होती है, किस तरह से बच्चे को प्री स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ना है। तो आज हम जानेंगे प्ले सेंटर्स है आपका, डे केयर है, मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, जो बालवाड़ी है, आंगनवाड़ी है, आप सब इनमें से कई ऐसे स्कूल होंगे जो आपके घर के आसपास होंगे, आप सबको पता होगा। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, जिनके घर के पास में या आसपास में इनमें से कोई भी स्कूल है जो प्री स्कूल का है। ठीक, प्री स्कूल इनमें से कोई आपके आसपास है, तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। ठीक, जिसका कमेंट पहले आता है उसको बहुत 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 थैंक्स होगा। ठीक, आप सब एक्टिव रहा करिए। आज हमारा टॉपिक है मॉन्टेसरी। ठीक, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, तो हम आज मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बाद पेस्ट्रोलॉजी हैं, कुछ जो वैज्ञानिक हैं इनकी थिंकर्स क्या हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक, कॉन्स्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स ECC, ओके। उसके बाद फ्रॉवेल हैं, जिन्होंने क्या कहा था, किंडरगार्टन तकनीक लाई थी। ठीक, जॉन डेरी हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं, जिनके बारे में आज पढ़ेंगे, M.K. गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। धीरे धीरे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है, मैंने पहले बताया, वन मिनट बच्चों, यहाँ पे आइए, जी हाँ, ये है आपका मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक, तो आज मॉन्टेसरी पद्धति का विकास, मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षा का सिद्धांत जानेंगे। ठीक, ये है आपकी मारिया मॉन्टेसरी जी, फोटो देख लीजिए, पद्धति का विकास इन्होंने ही, मॉन्टेसरी स्कूल, जो मॉन्टेसरी शिक्षा होती है, इसको लागू किया था। आगे देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं मॉन्टेसरी पद्धति का विकास। ठीक, यहाँ से प्रश्न आपके सीरीज में, बुक में बनेगा, तो कुछ दिन ऐसे ही क्लास चलेगी, फिर उसके बाद आपकी प्रश्नों के आधार पर फिर क्लास चलेगी। ठीक, तो इतना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति का विकास क्या है, मॉन्टेसरी पद्धति में आवास स्थिति के संदर्भ में सामाजिक प्रयोग के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की, जो विकलांग बच्चे होते हैं, किस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक, शिक्षा के लिए विकसित की गई विधि का सामान्य बच्चों के संदर्भ में उपयोग मॉन्टेसरी पद्धति के जन्म के कारण है। ठीक, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए ये पद्धति लागू की गई थी। ठीक, जबकि रोम के निर्धनतम परिवारों, ये मॉन्टेसरी जी जो हैं वो रोम के रहने वाली हैं, निवासी हैं, ठीक, जिन्होंने इंडिया में आकर के निर्धनतम परिवारों के आवास में से संबंधित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु तो एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग बनवाया गया था। ठीक, बनाया गया, कौन सी बिल्डिंग बनाई गई थी, एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग। ठीक, इसमें आवासीय क्वार्टरों को भी पुनर्निर्मित किया गया, ठीक किया, पर स्कूल नहीं जाने योग्य छोटे बच्चों की समस्या बनी रही। ठीक,
ऐसे आवासीय क्वार्टर बनाए गए, पर जो छोटे बच्चे थे स्कूल नहीं जा सकते थे उनके लिए ये समस्या बनी रही। ये दिन में भवन को गंदा करते रहते थे। इन्होंने देखा कि ये दिन भर जो छोटे बच्चे होते हैं भवन को, इस जो एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग बनाई गई थी इसमें जो छोटे बच्चे थे ये दिन भर क्या करते थे, भवन को गंदा करते रहते थे। ठीक, इस समस्या के समाधान हेतु रोम के एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग के डायरेक्टर जनरल के मन में विचार आया। ठीक, जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल थे इनके मन में विचार आया कि एक बड़े हॉल में 3 से 7 वर्ष के चाल में रहने वाले सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि यही छोटे बच्चे होते हैं जो घर को ज़्यादा गंदा करते हैं, उनको पता नहीं रहता है। ठीक, साफ़ सफाई वो दिन भर कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, गिराते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, मिट्टी में भी खेलते रहते हैं ना, यही बच्चे 3 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे। ठीक, बच्चों को इकट्ठा किया जाए, उनके लिए खेल तथा कार्य की व्यवस्था किसी अध्यापिका की देख रेख में की जाए, उसी आवासीय परिसर में अपने अपार्टमेंट में रहें। ठीक, इस तरह से हाउस ऑफ चाइल्ड के नाम से आवासीय परिसर में एक विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, अब तो आप समझ गए होंगे मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में। तो ये जो आपका एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग बनाया गया था, इसमें जो लोग रहते थे उनके जो छोटे बच्चे थे वो दिन भर इस बिल्डिंग को गंदा करते रहते थे, तो इसीलिए वहाँ के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जो डायरेक्टर थे, इन्होंने एक रूम इकट्ठा किया, उसमें 3 से 7 वर्ष के बच्चों को एकत्र किया, इसके लिए एक अध्यापिका को चुना जो इनको पढ़ाती थी, और हाउस ऑफ चाइल्ड के नाम से उस आवासीय परिसर का नाम के विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, अब आइए जानते हैं हाउस ऑफ चाइल्ड का उद्देश्य क्या था। जो हाउस ऑफ चाइल्ड था इसका उद्देश्य था ऐसे बच्चों को व्यक्तिगत देखरेख करना था जिनके अभिभावक अपने दैनिक कार्य व्यवसाय के कारण बच्चे की देखभाल करने से असमर्थ हैं। क्या करते थे, जो व्यवसाय करते थे माता पिता, ठीक, कोई वर्क कर रहे थे और अपने बच्चों की देखरेख करने में असफल रहते थे, इन्हीं के लिए ये रखा गया था। ठीक, आवासीय परिसर में रहने वाले 3 से 7 वर्ष के बच्चों को अहर माना गया। ठीक, कोई शुल्क नहीं लगना था, पर तय समय पर बच्चों को साफ सुथरे वस्त्र में पहुंचाना था। ठीक, डायरेक्टर्स के प्रति सम्मान तथा बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना था। ठीक, ये करना था उस बिल्डिंग के लोगों को। फिर से सिलेबस आ गया। फिर इसी प्रकार सामाजिक आवश्यकता, ठीक, फिर क्या होता है, सामाजिक आवश्यकता ने शिक्षा के एक नए अभिकरण को जन्म दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर गरीब बच्चों के लिए शुरू की गई व्यवस्था अमीर बच्चों के लिए ही सीमित हो जाए। ठीक, ये दुर्भाग्यपूर्ण होता अगर, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग के ही बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे जबकि गरीब बच्चे नहीं जा रहे थे। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1906 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल ऑफ रोमन एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग ने शिशु विद्यालय के संचालन का दायित्व मारिया मॉन्टेसरी को सौंपा। जो मारिया मॉन्टेसरी जी हैं जिनके नाम पर ये मॉन्टेसरी स्कूल रखा गया, को सौंपा, जिन्होंने अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर अपनी विधि का विकास किया। ठीक, फिर इन्होंने कुछ नई नई तकनीक और पूर्व प्रशिक्षण के द्वारा इस मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना के बाद कुछ विधि को अपनाया। चिकित्सा शास्त्र में स्नातक होने के नाते उन पर मानसिक रूप से विकलांग या दोषपूर्ण बच्चों के प्रशिक्षण का दायित्व था। इसी कार्य में मारिया मॉन्टेसरी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इसी तरह से काफ़ी बच्चों को उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया। वे अपने आयु वर्ग के सामान्य बच्चों के साथ परीक्षा में बैठकर सफल हुई। इसी प्रभावशाली सफलता का कारण मॉन्टेसरी के अनुसार बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण विधि है, जिनके द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया गया था। मारिया मॉन्टेसरी ने निष्कर्ष निकाला, अगर इस श्रेष्ठ विधि का प्रयोग सामान्य बालकों की बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाए तो परिणाम और आश्चर्यजनक होंगे। ठीक, फिर क्या होता है कि मॉन्टेसरी सिद्धांत रखा जाता है, तो मॉन्टेसरी सिद्धांत हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में आप जान चुके हैं, मॉन्टेसरी क्यों लागू हुआ था, मॉन्टेसरी स्कूल क्या है। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कार्यक्रम क्या थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों।